जुड़ी न्यूज 18 की पायल मेहता की खबर है कि केंद्र सरकार लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लोकसभा में पेपर फेंकने का आरोप उन पर है और अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे 10 सांसद जो थे विपक्ष के, उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा जल्द ही सरकार की तरफ से। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कब तक ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि प्रस्ताव पेश किया जाएगा और जल्द ही ये प्रस्ताव लाया जाएगा, आज भी लाया जा सकता है। इसमें से ज्यादातर जो सांसद थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और आज सदन में ये देखा गया था कि जिस समय कार्रवाई चल रही थी सदन की, उसी समय ये कागज उछालने की एक विपक्ष की तरफ से जो हंगामा चल रहा था उसी दौरान ये कागज उछाले गए थे और उसी कारण उनके सस्पेंशन का, क्योंकि सरकार का कहना है कि जिस तरीके से कागज उछाले गए वो सदन की एक तरह से काफी सदन के लिए अनियमित व्यवहार कहा जा सकता है और इसको देखते हुए इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया जाएगा और ज्यादातर सांसद इनमें से कांग्रेस के सांसद हैं जो आज पेगासस के मुद्दे पर अपना विरोध कर रहे थे। तो देखिए, जो अभी प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें कहा जा रहा है कि पूरे सत्र के लिए इन 10 सांसदों को निलंबित किया जाए और इसके लिए सरकार जल्द ही प्रस्ताव रख सकती है जिसमें ये 10 सांसद, जिनमें से ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के बताए जा रहे हैं, इनके पूरे सत्र के निलंबन के लिए प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा जा सकता है।